अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो टॉपिक है आप लोगों ने तो सुनना ही सुनना है, लेकिन आज स्पेशली इमरान खान साहब के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पीटीआई के लोगों से, उन लोगों से जो पीटीआई के साथ शुरू में आकर खड़े हुए और जो इमरान खान साहब ने एक आवाज़ लगाई थी, एक झंडा उठाया था, उस नारे पे आप इनके साथ जब आए थे, अगर आपकी कोई छोटी मोटी नाराज़गियाँ हैं तो प्लीज़ दोबारा पीटीआई को आप ज्वाइन करें। इनके साथ, इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं। थोड़ा सा मुझे इतना पता है कि क्रिकेट के दौर में तो थोड़े ज़िद्दी थे और सुना है कि अभी भी ज़िद्दी हैं। तो इमरान खान साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब आप भी ज़िद छोड़ दें, अपने अंदर ठहराव पैदा करें, बात सुनने की, बात को समझने की और बात को समझाने की कुव्वत लेकर आए। किसी भी बात पे मेरे अंदर भी बुरी आदत है, मैं भी बाजों का नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना, लेकिन क्योंकि आपने मुल्क चलाना, जिस तरीके से आपके ऊपर आवाम एतमाद कर रही है, जो वलवला है आवाम के अंदर, जो जोश है जो आपने दिया उनको, उसको टूटने नहीं दीजिएगा। इस जोश को हमेशा कायम रखिएगा आवाम के लिए और अपने लिए, इस मुल्क के लिए। इस मुल्क के लिए जो बातें आप कर रहे हैं खुदा के लिए, उसके ऊपर पूरा उतरें। और आप अपने पुराने साथी जो आप समझते हैं कि ऑनेस्ट हैं और अच्छे लोग हैं, तो छोटी मोटी जो आप की तरफ से मिस्टेक्स हैं या उनकी तरफ से मिस्टेक्स हैं, उनको दूर करें और उनको साथ लेकर आएं। आप अपने जो पुराने साथी और जो यंग ब्लड है हमारे मुल्क के अंदर, उनको, और हमारे मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीछे बैठ के काम करना चाहते हैं, जो मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, उनको साथ मिलाएं। रवायती सियासतदानों को पीछे करें, क्योंकि इन लोगों के बिजनेस हैं। चीनी हमारे सियासतदानों के पास, आटा हमारे सियासतदानों के पास, ऑयल हमारे सियासतदानों के पास, बड़े मुर्गी का काम हमारे सियासतदानों के पास, ऑयल घी का काम हमारे सियासतदानों के पास, दवाइयों का काम हमारे सियासतदानों के पास, क्या नहीं है जो हमारे सियासतदान नहीं कर रहे। मिर्ची तक हमारे सियासतदान यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। खुदा के लिए आप उन लोगों को आगे लेकर आए जो बिजनेसमैन ना हो। आपने कुछ बातें की हैं मुख्तलिफ जलसों में, चलें अब आपने कुछ सीख तो लिया। जो पिछली दफ़ा आपने गलतियां की, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप वो अब नहीं दोहराएंगे। और जो लोग आपको, जो आप मशीर लेकर आते हैं अपने साथ, जो विदाउट इलेक्शन आते हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, किसी की डिक्टेशन नहीं चाहते, अपने तरीके से अपने मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। फॉरेन पॉलिसी हो या लोकल, उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप ढूंढें। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आपके साथ मिलकर
इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं और इसको कामयाब मुल्क देखना चाहते हैं, अपनी आवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं आपकी तरह, तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छे लोगों को साथ रखें, रवायती सियासतदानों को छोड़ दें, यंग ब्लड जो आपके साथ है उसको आगे लेकर आए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चा एबटाबाद में रो रहा था जिसको आप मिले भी हैं, तो आप खुद सोचें कि आपके साथ छोटे बच्चे भी प्यार कर रहे हैं और आपने जो इनको एक होप दे दी है, एक उम्मीद दे दी है, खुदा के लिए उससे पीछे नहीं रहेगा। यकीन करें आप, अगर आप मुल्क के लिए कुछ कर गए ना, तो सारी जिंदगी आपको लोग भूलेंगे नहीं। जैसे भुट्टो साहब ने एक ही काम किया और आज भी उनको लोग याद करते हैं, तो रहती दुनिया तक आपको लोग जैसे अब भी याद कर रहे हैं और करेंगे और प्यार भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी और इनके ऊपर आप ज़रूर कुछ सोचेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे और किसी न किसी तरीके से आप तक मेरी बातें ज़रूर पहुँचेंगी। मैं एक वीडियो जर्नलिस्ट हूँ, मैंने सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, फोर्सेस को, जंगों को बड़े करीब से देखा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुल्क के लिए जो कह रहे हैं वो करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।